गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। देखो बच्चों, आज हम लोग बहुत अच्छी एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो एक्टिविटी ये है कि ये क्या है, पेज है सिंपल सा, और ये हमने क्या बना रखा है, बॉक्स रखे हैं दो साइड में। तो आपको करना क्या है कि ये जो पेज है इसको हम रखेंगे ऐसे, ठीक। और आपको क्या करना है, इस तरीके से ये रखना है कि यहाँ पे ये रख जाए। तो कौन ट्राई करेगा आके, आ जाओ रामवीर। देखिए रामवीर, रखिए रखिए, पेज रखिए, पहले इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ इसको रखिए, हाँ इसके बीच में रखना है ये। नहीं हुआ, चलिए और कौन आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब पोज कर लीजिए, उसके बाद देखे टिकता है कि नहीं टिकता है। अरे तो गिर गया भाई। और अभी देखिए हम करके दिखाएंगे और कितने सारे करके दिखा देंगे इसको बैलेंस। चलिए क्या हुआ, सही से रख। और कोई आएगा, चलिए तो हम करके दिखाएं आपको। लेकिन हम कुछ इसमें चेंज करेंगे, पेपर यही रहेगा। तो रेडी हैं आप लोग, ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको मोड़ रहे हैं। ये इसको हम मोड़ लेते हैं पहले, मुड़ गया। उसके बाद रखेंगे इसको हम ऐसे ही, ठीक है। और रखें इसके बॉक्स, क्या लगता है आपको, रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या हुआ, देखिए बिल्कुल सेंटर में रखा है, रुक गया। एक और रखें, क्या हुआ, रुक गया। एक और रखते हैं, क्या हुआ, रुक गया। ये क्या हुआ, ये कैसे रुक जा रहा है। और लाइए बॉक्स किसी के पास हो और रखे इस पे, देखिए आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। चलिए अच्छा ठीक है, इतने ही, इतने सारे इस पे, ये कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों, मोड़ के पॉसिबल हुआ। लेकिन मोड़ने पर पेपर तो वही था, हमने कुछ नया रखा नहीं रखा, तो फिर ये कैसे रुक गया। क्योंकि बच्चों इसमें स्ट्रक्चुरल चेंज हुआ, यानी आकार का चेंज हमने कर दिया है। और इस तरीके से इसमें बनाने से, हम मोड़ने से क्या हो गया बच्चों, कि इसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती बढ़ गई है ना, इसीलिए तो ये रुक गया। अब इसमें हम कुछ और भी रख देंगे, देखिए बोतल भी रख देंगे, बोतल भी रुक जाएगी आराम से इस पे, ठीक है। ठीक है, तो इसका बहुत बच्चों आपने बहुत अच्छा उदाहरण देखा होगा। आपने किसी की छत पे टीन पड़ी देखी है, टीन कैसी होती है, क्या सीधी होती है कि ऐसी होती है, ऐसी होती है, सीधी तो नहीं होती है। आप लोगों ने सोचा है टीन ऐसी क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसकी मजबूती कई गुना बढ़ जाती है, इसीलिए हम लोग टीन पे खड़े हो जाते हैं, टीन नहीं टूटती है। अगर ऐसे सीधी हो तो क्या होगा, लचक आ जाएगी उसमें और वो टूट जाएगी। इसीलिए आप लोगों ने बच्चों देखा होगा कि जो टीने होती हैं उसमें ऐसे ही डिजाइन ऐसी बनी होती है। अभी देखो सामने ये देखे पड़ी हुई है किसी के यहाँ, आप देख सकते हैं पीछे, देखिए पड़ी है टीन, वो कच्चा घर बना हुआ उसके ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत बच्चे कहते थे कि जो टीन होती है इस पर ये ऐसी लाइन इसलिए क्यों बनी होती हैं, आप लोगों ने सोचा था इससे पहले कभी। एक बच्चे सबने पूछा था, तो बच्चा वो बोल रहा था कि मैम इससे क्या होता है, जब पानी बरसता है तो पानी आराम से निकल जाएगा नाली की तरह, है ना। तो आ गया बच्चों समझ में,